أعوذ بك من أن أجهل أو يجهل علي, यार मैं पनाह चाहता हूँ कोई मेरे ऊपर ज्यादती करे या मैं किसी पर ज्यादती करूँ. यहाँ जहालत से मुराद है ज्यादती करने वाला, बदतमीजी करने वाला. तो वो क्या करते हैं, कालू सलामा. वो ये नहीं करते कि इससे कितने लोग कता ताल्लुक मुरा लेते, बाजी सलाम अलैकुम, तो डरा हो रे सा डरा हो रे. तो मेरा अल्लाह ये नहीं कह रहा, मेरा अल्लाह कह रहा जब उनसे कोई गलत गुफ्तगु करता है, गलत मामला करता है, बदतमीजी करता है, तो वो आगे तमीज़ के साथ बात करते हैं, वो गुस्से से बिफर नहीं जाते, वो उसके लहजे में बात नहीं करते, वो ठंडे मिजाज के साथ अल्लाह उसके रसूल को सामने रख कर वो बात करते हैं. दो. तीसरी फरमाई, वल्लज़ीना यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा. इबादत को तीसरे नंबर पर लाए कि मेरे बंदों की तीसरी बड़ी सिफत यह है कि वो रात को उठते हैं और मुझे याद करते हैं. अच्छा, अब आजकल सुस्ती का ज़माना है. मेरे नबी ने एक हदीस सुनाई तो वो बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए. जो ईशा की नमाज बाजमात पढ़ ले और सुबह की नमाज बाजमात पढ़ ले तो उसकी रात तहज्जुद में लिखी जाएगी. कुर्बान जाऊँ अपने नबी की रहमत पर और उनके रहमतुल आलमीन होने पर कि मेरे जैसा जो सरदर्द का मरीज है वो रात को नहीं उठ सकता, तो ईशा बाजमात पढ़ ले और फजर बाजमात पढ़ ले, सारी रात इबादत है. बाकी ये तो है यानी बिल्कुल वो 33 नंबर वाला काम है, लेकिन हम पास लोगों में शुमार हैं, इस सिफत के हकदार कहलाएंगे. बाकी असल वो हैं जो रातों को उठकर याद करते हैं. एक हूक सी दिल में उठती है, एक दर्द जिगर में होता है, हम रात को उठ उठ रोते हैं जब सारा आलम सोता है. तो इश्क तो ऐसी चीज़ है. ملحب كلام قد نزخرفه ان المحبه قلب وهبناه. محبت اسے نہیں کہتے کہ محبوب کو چکنی چپڑی باتیں کہو جی میں قربان جاؤں, میں صدقے جاؤں, میں واری جاؤں, آپ کے بغیر تو جی نہیں سکتا. باتوں سے نہیں کہ محبت ہے, دل کو اس کے قدموں پہ نچھاور کر دو. बहुत खूबसूरत बात अल्लाह ने की. तो जो लोग माशाल्लाह रातों को उठते हैं उनको मुबारक हो, लेकिन हमारे जैसे कमज़ोर भी इस फजीलत में हैं. ईशा बाजमात पढ़ लो, फजर बाजमात पढ़ लो और फिर अल्लाह ताला पे कुर्बान जाएं कि उनकी जो है ना दुआ अल्लाह ताला बताता है. वल्लज़ीना यकूलून रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा. वो अल्लाह उनकी दुआ बता रहा है कि वो कहते हैं या अल्लाह हमसे अज़ाब जहन्नम दूर फरमा, चूँकि ये ना टलने वाला अज़ाब है जो चिमट जाता है, और वो इन्ना साअत मुस्तकर व मुकामा, और या अल्लाह वो बहुत ही बुरा है, बहुत ही बुरा है. तो तहज्जुद और दुआएँ, दुआ बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत. हमने दुआ ऐसे ही बनाई हुई है, फर्ज नमाज के बाद मौली साहब रटे रटाए जुमले बोलते हैं, हम पीछे आमीन कहते हैं. दुआ वो है जो आप तन्हाई में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर बोलते हैं. मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह के सामने रोवो. अच्छा, अगर इल्लम तब कुफ तबा करो. अच्छा, अगर तुम्हें रोना नहीं आता ना तो रोने की शक्ल बना लो. चौथी चीज बताते हैं, वल्लज़ीन यकूलून रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा इन्नहा साअत मुस्तकर व मुकामा. या अल्लाह जहन्नम से बचाना और जहन्नम के अज़ाब से बचाना. वो अल्लाह आप पे ही माफ़ करेगा, ये हमारे अब तो आम माहौल में, ये अल्लाह आप पे ही माफ़ करेगा.